फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ मैक्सिकन राइस। मैक्सिकन राइस जो है काफ़ी टेस्टी बनते हैं और सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ले लिया है 1.5 कप बासमती राइस। बासमती राइस को करीब 15 से 20 मिनट के लिए हम भिगो देंगे। और ये 3 मीडियम साइज़ की टमाटर लिए हैं। जो ये टमाटर लिए हैं, इन्हें हमें पीस लेना है। तो चलिए मैं राइस जो है भिगो देती हूँ और साथ ही में ये टमाटर को भी पीस लेती हूँ। उसके बाद हम मैक्सिकन राइस बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी भी इसमें कम ही रहती है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ता है इसमें। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। ये मैंने करीब 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ली है और इसे बारीक चॉप कर लिया है। इसे इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है और इसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा, मोटा मोटा ही रखा है। इसी तरह से रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। इसे भी ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन को जो है हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है इसे। तो बस जब प्याज और लहसुन जो है सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये लहसुन की स्मेल चली जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए, प्याज और लहसुन अच्छे से पक चुके हैं, इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे राइस। राइस को जो मैंने भिगो के रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे और राइस का अच्छे से पानी निकाल दें, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। इसे करीब 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो ये राइस है ये रोस्ट हो जाए, इसमें इसका जो है नटी सा फ्लेवर आ जाए। बस हल्के हाथ से करें 2 से 3 मिनट तक के लिए बस। तो ये देखिए, मैंने राइस को अच्छे से फ्राई कर लिया है ऑयल के साथ। इसमें अच्छी सी नट्टी सी खुशबू आ जाएगी, एकदम नट्टी फ्लेवर जो है वो आ जाएगा। तो बस इतना ही करना था, करीब 2 से 3 मिनट तक। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ वेजिटेबल्स। जो मैक्सिकन राइस होते हैं इसमें वेजिटेबल्स काफ़ी यूज़ होती हैं। तो ये मैंने ली है कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम आती है वो ली है, करीब 1/4 कप है। और ये मैंने ली है ग्रीन कैप्सिकम 3 टेबल स्पून। और ये मैंने 1/2 कप ली है कैरेट, बारीक चॉप कर ली है। और 1/2 कप ही मैंने ये मटर ली है। इन सबको इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने स्प्रिंग अनियन ली है, इसे हम बाद में ऐड करेंगे। मैक्सिकन जो राइस है काफ़ी कलरफुल होते हैं, आप देखिए कितने अच्छे इसमें कलर लग रहे हैं। इसी तरह से होते हैं ये, और जो ये राइस हैं काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो मैक्सिकन स्टाइल वेजिटेबल पुलाव है ये। और आप देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, बेहतरीन से कलरफुल। थोड़ा सा इसे कुक कर लेते हैं इस तरह से। और आप चाहें तो इसमें जो है स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, और जो किडनी बीन्स आते हैं राजमा, उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोनों को बॉईल करके ही ऐड करें। अगर आप राजमा ऐड कर रहे हैं तो उसे बॉईल करने पहले, फिर उसके बाद इसमें ऐड करें। इसी तरह से स्वीट कॉर्न को भी। तो बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। जो हमने टमाटो पेस्ट बनाया है उसे ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही में इसमें कुछ मसाले भी ऐड करना है। ये मैंने ली है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। इन सबको पहले मिक्स कर दें।
और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून ऑरिगेनो। ऑरिगेनो ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आती है। और अगर आप चाहें तो इसमें चिकन स्टॉक या वेजिटेबल स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। इसे थोड़ी देर इसी तरह से पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे करीब 2 मिनट तक इसी तरह से पका लिया। इसका जो पानी है सब ड्राई हो चुका है, जो इसमें मैंने टमाटर डाले थे वो इसके साथ अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने ये 1.5 कप राइस लिए थे, तो पानी जो है मैं इसमें ऐड करूँगी 2.5 कप, क्योंकि जो ये टमाटर पीस के डाले हैं इसमें भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसलिए तो मैं 2.5 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर देंगे और करीब 5 मिनट तक इसी तरह से इसे पका लेंगे। इस टाइम पे आप इसका सॉल्ट चेक कर लें, सॉल्ट और चिली अगर आपको कम लगती है तो और ऐड कर लें अपने हिसाब से। इसे हाफ कवर कर देंगे इस तरह से और 5 मिनट तक पका लेते हैं। तो ये देखिए राइस को पकते हुए हो गए करीब 5 मिनट, इतना ही मैं पकाना था। इसे देखिए इसका पानी जो है काफ़ी ड्राई हो चुका है, आप ये देखिए। और अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं और ये स्प्रिंग अनियन लिए हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और जो इसमें मैंने मटर ऐड किए हैं वो फ्रोज़न मटर ऐड किए हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर नहीं है, आप फ्रेश ऐड कर रहे हैं, तो स्वीट कॉर्न की तरह ही बॉयल करके ऐड करें उसे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। हल्के हाथ से मिक्स करें क्योंकि राइस जो है ना हाफ कुक हो चुके हैं, जैसे ही टूटे नहीं इस तरह से। इसमें आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद से। और आप देखिए कितनी बहुत सी इसमें वेजिटेबल्स ऐड होती हैं, तो काफ़ी हेल्दी भी हो जाते हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने करीब 1.5 टेबल स्पून मेयोनीज़ ली है, इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर दें हल्के हाथ से। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, मुझे बहुत पसंद है मेयोनीज़ इसमें मैक्सिकन राइस में। इस तरह से मिक्स कर दें। और देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आया है राइस का। तो ये देखिए सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और अब इसे हम कुक कर लेंगे। अभी राइस जो है ना हाफ कुक हुए हैं, पूरी तरह से नहीं पके, और राइस को अच्छे से गला लेना है। तो इसे कवर कर देती हूँ स्लो फ्लेम पे, और स्लो फ्लेम पे ही मैं करीब 10 मिनट तक इसे कुक कर लूँगी। तो ये देखिए राइस को मैंने 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए। ये पक चुके हैं, आप देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं राइस। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है, तो आप लोग ज़रूर इसे बनाएं। बहुत ही बेहतरीन से राइस बनके तैयार होते हैं, आप देखें कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसी तरह से ये होते हैं, ये बिल्कुल खिले खिले नहीं रहते हैं, और इसे हमें पूरी तरह से पका लेना होता है। ऐसा नहीं है कि इसे हमें थोड़ा सा खड़े खड़े नहीं रखना, बिल्कुल इसे राइस को इस तरह से गला लेना है जो मैश हो जाए। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। और इसे मैं अब सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। तो अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अभी बहुत गर्म है, एकदम से आप मिक्स करेंगे तो मैश हो जाएंगे, तो केयरफुली मिक्स करें इसे। तो अभी इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कितने बेहतरीन से राइस बने हैं, बहुत ही टेस्टी से, ये देखिए। तो आप लोग अपने किचन में इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत जल्दी बन जाते हैं, टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता और टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो ये देखिए मैक्सिकन राइस बनके तैयार हैं, आप देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी भी बने हैं और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनने में। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसे अपने किचन में ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसे लगे।
और देखते रहे मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, और साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इंजॉय करें मज़ेदार से मैक्सिकन राइस विद शिवाज किचन। थैंक यू।